ठाकरे, आज के इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये परिचर्चा, जैसे कि आप जानते ही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, एनसीसी, एसडी, एसटीआरसी सेंटर, महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल और काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च एंड कंपैरेटिव स्टडीज, ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग काउंसिल, इन सब के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई है। और इस तरह के जब हम वेबिनार करते हैं, सेमिनार्स करते हैं ज्ञान चर्चाओं के लिए, तो उसके पीछे दो तीन कारण होते हैं। एक तो ये कि हम जितना जानते हैं उस जानने की सीमा को और अधिक बढ़ा सकें, ये बात मैं अक्सर दोहराता हूँ। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें परंपरा में दो कारण और मिलते हैं ज्ञान को। ये जो बात मैंने आपसे बताई कि अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ाना, ये तो एक बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन जो परंपरा में हमें देखने को मिलता है वो ये है, एक तो कि जो हम नहीं जानते उसको पुनः जाने, उसको विस्तार से जाने, और साथ ही साथ जो जाना हुआ है उसे पुनः जानने का सुख लें। अक्सर जानने में हमारी एक पक्षीयता रहती है, एक विशेष एंगल रह जाता है, और उसको व्यापक रूप से समझने के लिए इस तरह के वेबिनार्स की हमें आवश्यकता आज अनुभव होती है। दूसरा कारण जो हमें मिलता है परंपरा से, दूसरा कारण ये है कि हो सकता है कि हम अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से बुद्धि की अंतिम सीमा को छू लें। अपने विचारों से बुद्धि की अंतिम सीमा को अगर हम छूने का प्रयास करें तो हो सकता है मनुष्य के लिए कोई नई संभावनाएं इंटेलिजेंस के द्वारा उभर आए, और फिर जिन समस्याओं से आज हम जूझते हैं उन समस्याओं का हम समाधान बहुत सहज रूप में कर पाए। तो आज का ये विषय भी उसी प्रकार का है जिसके विषय में आप लोग कुछ तो जानते हैं लेकिन बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, और जो लोग जानते हैं वो पुनः जानने का सुख इसमें ले सकते हैं। और तीसरी तरह के लोग जो इस दृष्टि से इसमें आए हैं कि हम बुद्धि के द्वारा विचार के द्वारा बुद्धि की अंतिम सीमा को एक बार स्पर्श कर लें, ऐसे लोगों का भी हम स्वागत करते हैं। और सीधे सीधे विषय की ओर आते हैं, समय हम ज़्यादा नहीं लेंगे। दो डेफिनेशंस आप अपनी स्लाइड के ऊपर देख पा रहे हैं आप सभी लोग। एक तो है जो WHO की डेफिनेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, हेल्थ उनकी जो आप परिभाषा देख सकते हैं, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease and infirmity। ये तो है WHO की डेफिनेशन, जिसको सभी मेडिकल प्रोफेशन के लोग फॉलो करते हैं और हमें पढ़ाया भी यही जाता है। लेकिन आप नीचे ही देखेंगे कि उसका WHO की डेफिनेशन का क्रिटिसिज्म भी बहुत हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कर दिया है इसलिए हम सभी उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्रिटिसिज्म में उसका इट्स टू आइडियल, टू एब्स्ट्रैक्ट, टू ब्रॉड एंड नॉट सब्जेक्ट टू साइंटिफिक एप्लीकेशन। क्या त्रासदी है, क्या ट्रेजडी है कि WHO जो है वो रिकमेंड कर रहा है, डेफिनेशन दे रहा है और उसी का क्रिटिसिज्म ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि हम बाहर की ओर, जो हमें बाहर से दिया जाता है, जो स्टैंडर्ड्स और जो पैराडाइम्स हमें दिए जाते हैं उनको हम स्वीकार करें, देखें, जाने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ कभी कभी हम अपने भी तो पैराडाइम्स को कभी देख लें, उनको भी तो जान लें कि हमारे मॉडल्स क्या हैं। तो उन बहुत सारे मॉडल्स में से एक मॉडल जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप देखिए कि WHO की डेफिनेशन और ये जो 2500-3000 साल पुराना जो मॉडल है, क्या उसके साथ इसका कोई कंपैरिजन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पश्येम शरदः शतम्, जीवेम शरदः शतम्, शृणुयाम शरदः शतम्, प्रब्रवाम शरदः शत, मदीना श्याम शरदः शतम्, भूयश्च शरदः शतात्। बड़ा सरल सा अर्थ है, जो संस्कृत के नहीं हैं जो लोग, हम 100 वर्षों तक देखें, हमारा जीवन 100 वर्षों तक चलता रहे, 100 वर्षों तक हम सुन सकें, हम 100 वर्षों तक बोलने में समर्थ रहें, हम 100 वर्षों तक दीन अवस्था से बचे रहें, अदीना श्याम, अधीन रहें, कहीं डिप्रेशन नहीं, कहीं याचना नहीं, हम 100 वर्ष ही नहीं उसके आगे भी निरोग रहते हुए जीवन धारण कर सके।
एक मॉडल ये है जो आज से पिछड़े हुए लोगों ने दिया, जिनकी दाढ़ियां भी बढ़ी हुई थी, जिनके बाल बड़े हुए थे, और हमारी परिभाषा में वो आधुनिक नहीं थे, लेकिन ये उनकी सोच है। और दूसरी तरफ हू की एक सोच है जो आप लोगों के सामने मैंने रखी, और ये बात मैंने केवल आपके सामने एक भूमिका के रूप में रखी है, क्योंकि इसके आधार पर हम आज के टॉपिक की आलोचना करेंगे कि 21वीं शताब्दी में जो वैदिक चिकित्सीय ज्योतिष शास्त्र है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको कार्यक्रम से भी अवगत कराना चाहूँगा। आज का जो वेलकम एड्रेस रहेगा, श्री राघव संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च सेंटर के, और वाल्मीकि रामायण को लेकर के ही ये कई तरह के प्रयास कर रहे हैं कि जो सोशल मॉडल हो सकता है, पॉलिटिकल मॉडल हो सकता है, और इस तरह के एजुकेशनल मॉडल हो सकते हैं, उसके ऊपर ये निरंतर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और विभिन्न लोगों को जोड़ रहे हैं। तो उनको मंच पर स्वागत करने से पूर्व मैं दो एक बातें और कहना चाहूँगा कि वो स्वागत करें। इससे पूर्व हमारे जो रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर पुष्प शर्मन, वो डायरेक्टर हैं आरोग्यम आयुर्वेद और पंचकर्म सेंटर मोहाली के। लगभग पिछले 20 से 25 वर्षों में के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत महारत हासिल की है, बहुत नाम कमाया है, और देश विदेश तक इनका चर्चा होती है और लोगों के साथ कंसल्टेशन करते हैं। बीएमएस गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, डिप्लोमा इन योगा नेचुरोपैथी की भी क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन मैग्नेटोथेरेपी, डिप्लोमा इन नेचुरल ओपिथेमोलॉजी, ज्योतिष प्रवीण, ज्योतिष विशारद और बैचलर ऑफ आर्ट्स म्यूजिक। आप देखिए कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। मुझे लगता है कि इनकी ये क्वालिफिकेशंस देख के मुझे लग रहा है कि जो कविराज शब्द इस्तेमाल किया जाता था हमारे पुराणों में, प्राचीन भाषा में, डॉक्टर्स के लिए, वो बड़ा सफल सिद्ध हो रहा है कि एक तरफ वो कवि भी हैं और दूसरी तरफ वो चिकित्सक भी हैं। तो दोनों जो एक तरफ की विपरीतता है वो किस तरह से आके समन्वित हो रही है, वो हमें आज देखने को भी मिलेगी और समझने को भी मिलेगी। इसके साथ आज का जो वोट ऑफ थैंक्स रहेगा वो मेजर जनरल अमिल कुमार शोरी, जो डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मेजर जनरल साहब जो हैं, इनकी दो तीन जो विशेषताएं ये हैं कि अपने आर्मी कैरियर के साथ साथ इन्होंने वाल्मीकि रामायण, पंचतंत्र और अन्य जो भारतीय कृतियाँ हैं उनको एक्सप्लोर करने का काम किया, और उनके आधार पर ये लेक्चर्स और जो क्या कहेंगे कि हम जिन्हें आप कार्यशालाएं वर्कशॉप जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली जिसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज और इस तरह के जो हैं, जो पंचतंत्र और हमारी जो संस्कृत की पुस्तकें हैं उन पे आधारित हैं। तो इतने परिचय के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राघव संजीव घारू जी को, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च सेंटर के, कि वो हमारे आज के मुख्य वक्ता का और हमारे जितने भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का वो स्वागत करें। संजीव जी, संजीव जी सुन पा रहे हैं? संजीव घारू जी, जस्ट लेट मी चेक। सर हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके, हाँ जी, हाँ जी, सर आ गई, क्लियर है। थैंक यू सर। वो टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, वो इसलिए मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ तो दिक्कत आ रही है, उसमें नेटवर्क का इशू ओके सर। जी थैंक यू डॉक्टर। आज के इस वेबिनार में डॉक्टर पुष्प शर्मन जी, जैसा डॉक्टर आशुतोष जी ने उनका परिचय दिया और सभी प्रतिभागी यहाँ उनके परिचय को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, और स्लाइड पे आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन की, कि किस प्रकार के विभिन्न प्रतिभाओं के वो धनी हैं।
और जैसा आज का विषय है, तो अगर आप पहली बार किसी से इस प्रकार के विषय पर चर्चा करेंगे तो उनको एक बार जरूर अचंभा होगा कि वैदिक चिकित्सा ज्योतिष शास्त्र अक्सर ज्योतिष शास्त्र को सिर्फ कुंडली देखने या पंचांग देखने तक सीमित ही रखा जाता है, जहां तक ज्योतिष शास्त्र की बात है। लेकिन चिकित्सा से जुड़ा हुआ फिर अभी इस प्रकार का मॉडल को डिजाइन करना कि WHO क्या कहता है और हमारे वैदिक संस्कृति में हम किन चीजों को किस तरीके से देखते हैं, आज सब वो हमें जानने और सुनने को मिलेगा। अक्सर हमारे ऊपर वर्तमान जीवन में ये आज की जिस प्रकार की जीवन शैली हमारी हो गई है आमजन की, उस पर पाश्चात्य संस्कृति का इतना प्रभाव हो गया है कि हम अपने वैदिक संस्कृति को शायद या तो भूलते जा रहे हैं या हम उसे जानबूझकर भी याद नहीं करना चाहते, ना ही हम उस तरफ लौटना चाहते हैं। अगर आज कोरोना पैनडेमिक के इस एरा में हम एक चीज देखें कि सभी चीजें नेचर की तरफ लौट रही हैं, शहरों से लोग गांव की तरफ लौट रहे हैं, और स्थिति ये होगी कि पूरा का पूरा जो वातावरण है अपने पुरानी चीजों पर आ रहा है, तो आज हमें डॉक्टर पुष्प शर्मन जी से इन सब चीजों से जुड़ी बातों को, वैदिक चिकित्सा ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी तमाम बातों को जानने समझने का मौका मिलेगा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आज उनका मार्गदर्शन, उनका उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। इसके साथ ही मैं स्वागत करूंगा मेजर जनरल एक स्टोरी जी का, कि वो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, और तमाम उन प्रतिभागियों का जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं और कुछ ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आशुतोष जी से निवेदन करूंगा वो कार्यक्रम को सुचारू रूप से आगे बढ़ाए। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद संजीव जी। इस औपचारिक स्वागत के बाद मैं सीधे सीधे विषय की ओर आना चाहूँगा और एक भूमिका के रूप में दो तीन बातें आपसे शेयर करूँगा, ताकि डॉक्टर पुष्प शर्मन जो हैं वो वहाँ से हमें आरंभ करना बताएं कि वहाँ से आगे की यात्रा हम कैसे करें। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कई बार कुछ चीज़ों को हम कुछ तो जानते हैं लेकिन बहुत सारा अंश नहीं जानते होते, तो वक्ता को अगर हम पूर्व में इतना ही बता दें कि हमारे पास जानने के लिए इतना तो हम जानते हैं लेकिन आगे की यात्रा कैसे करें उसके लिए उनके दिशा निर्देश चाहिए होंगे। और बाकी उन लोगों के लिए भी मैं ये बात रखना चाह रहा हूँ जिनको ज्योतिष शास्त्र में बिल्कुल विश्वास नहीं है, जो अपने को रैशनलिस्ट कहते हैं, जो अपने को कहते हैं कि वो केवल साइंटिफिक थिंकिंग में विश्वास करते हैं, तो उनके सामने दो तीन बातें रखना चाहता हूँ कि हर मनुष्य हर जीव जो है वो समय और स्थान से पैदा होता है। प्लीज स्लाइड पे ध्यान दीजिएगा ताकि आगे की बात समझने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी और हम केवल एक प्रेजुडिस के साथ इसको सुनेंगे और फिर हम ज्ञान में वृद्धि नहीं करेंगे और अपने माइंड को हम कॉन्स्टिपेट कर लेंगे। तो प्लीज जितनी देर आप सुन रहे हैं उसको बड़ा खुले मन से सुनिए, उसको अस्वीकार करते स्वीकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात को पूरे मान और सम्मान के साथ सुनिए और उसके बाद अपनी बुद्धि के अनुकूल जैसे आपको उचित लगे वैसा आप उसको माने या अस्वीकार करें। और ये मामला मानने का नहीं है, जानने का है। तो मैं आपके साथ जानने की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से विज्ञान जानता है टाइम और स्पेस के बीच में, वैसे ही हर मनुष्य जो है वो समय और स्थान में पैदा होता है। जब वो समय और स्थान में पैदा होते हैं तो 12 राशियाँ उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। मेष वृष मिथुन इनको मैं गिना नहीं रहा लेकिन सामान्य रूप से ये हर भारतीय को ये चीज़ें पता होती हैं। अगर आप 12 इन राशियों को जानते हैं और साथ ही दूसरी तरफ आपको 9 प्लैनेट्स के बारे में पता है, सूर्य चंद्र मंगल ये एक तरफ हैं, तो इनके बीच में आप हर व्यक्ति को भारतीय ज्योतिष जो है वो 12 भागों में बांट देता है। अगर आपको समझा जाना है तो वो 12 दृष्टियां एक तरह की हैं जिन्हें 12 भाव कहा जाता है। ये भाव क्या है? अब इसका अगर आप पूछें कि इसका आधार क्या है और इसका प्रत्यक्ष क्या हो सकता है, तो ये बिल्कुल वैसी ही है कि जहाँ साइंस प्योर साइंस उठ करके साइकोलॉजी की
आने साइकोलॉजी की ओर आने लगती है, सोशल साइंसेस में आने लगती है। तो ये बड़ी थिन सी लाइन होती है, लेकिन जैसे आप देखना शुरू करेंगे कि क्या हम व्यक्ति का विश्लेषण इन 12 भावों के बाहर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या ये 12 भावों में ही सब कुछ समाहित हो जाता है, और ये 12 भाव जो हैं वो किस तरह से हमारे लिए उपयोगी होते हैं, जितनी भी हमारे आरोग्य और रोग संबंधी या दोषों को जानने और समझने के लिए आवश्यक है। तो इसमें से ये जो 12 भाव आप देख रहे हैं, यहाँ से पहला शुरू होता है, प्रथम भाव आप पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि वक्ता को हम सुनना चाहते हैं। तो प्रथम भाव जैसे देह स्थान कहते हैं, उसमें आपका शरीर आता है। दूसरे में आपका धन धान्य संपत्ति आता है। तीसरा भाव जो है वो आपके सगे भाई संबंधी ये सारे आ जाते हैं। पंचम भाव आपके संतान बुद्धि विद्या सॉरी चतुर्थ जो है वो सुख माता भवन आदि आदि ये आप पढ़ लीजिए। और पंचम भाव जिसमें संतान आदि है, षष्ठ भाव जिसमें शत्रु चिंता रोग आदि को देखा जाता है, सप्तम भाव जिसमें जीवन साथी पत्नी आदि को देखा जाता है, विवाह आदि को, अष्टम भाव ये आठवां जो आप मैं भाव शब्द अगर ना प्रयोग करूं तो आठवां जो पर्सपेक्टिव किसी के व्यक्तित्व को समझने के लिए वो आयु जीवन मृत्यु मृत्यु का घर है वो। नवम भाव आपका भाग्य धर्म तीर्थ आदि ये सारा है। दशम भाव में जो है आपका अर्थ पिता ये सारे डाले गए हैं। और ग्यारहवां जो घर है या ग्यारहवां पर्सपेक्टिव है वो क्या है, आपका आय लाभ उपलब्धि आदि आदि जो आपको सम्मान मिलने हैं। और बारहवां भाग जो है वो व्यय आदि का माना जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर आप समझें तो सेंटर में अगर आप किसी मनुष्य को बिठा देते हैं और उसका जब आप विश्लेषण हर कोण से करने लगते हैं तो कुल मिलाकर के वो 12 कोने हैं, 12 दृष्टियां हैं। इन 12 दृष्टियों से हम मनुष्य का विश्लेषण करने लगते हैं। अब इसके बीच में आपके सुख भी हैं, दुख भी हैं, आपके शरीर के दोष भी हैं, आपके मन के दोष भी हैं, आपके मन की स्वस्थता भी है और शरीर की सुंदरता भी है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक बार अपने मस्तिष्क में बिठा लेंगे तो हमें ये आगे चल करके समझने में सुविधा होगी कि किस रूप में हमने 21वीं शताब्दी में इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ये हमें मदद कर सकती है। क्योंकि इस वक्त साइंस भी रुकी पड़ी है और अगर साइंस कोई वायरस एंटीवायरस लाएगी भी तो उसको कम से कम अभी साल तो लगेगा ही लगेगा। सोशल साइंसेस मजबूर हैं, वो कुछ सुझा नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में अगर हम इसके माध्यम से कुछ विश्लेषण कर सकते हैं तो उस विश्लेषण को हम देखने का प्रयास करें। और मैं कहूँगा कि 21वीं शताब्दी को आप ज़रूर परिभाषित कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन से, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से, इन शब्दों से कर सकते हैं, लेकिन उसके जो प्रभाव हमारे पे पड़ रहे हैं वो उससे भी आप परिचित हैं कि किस तरह से इस वक्त मनुष्य जो है वो दबाव में है, स्ट्रेस में है। और बड़ी हैरानी की बात है कि जिस सुखद धरती के ऊपर मनुष्य को सुख पूर्वक रहना चाहिए था, सुख बना लेना चाहिए था, वहाँ उसे हर वक्त स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज अटेंड करने पड़ते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज अटेंड करने पड़ते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है हमारी डिवेलपमेंट। तो इन सब शब्दों के साथ मैं डॉक्टर पुष्प शर्मन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमें अपने विषय के साथ परिचित भी कराएं और हमें दिशा भी दें कि इसका मार्ग क्या है और इसको कैसे समझा जाए। और ये भी निवेदन रहेगा कि वो ऐसी भाषा का प्रयोग करें क्योंकि इसमें नॉन संस्कृतिस भी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो सरलतम भाषा में ये बात हमारे साथ वो साझा करें। डॉक्टर पुष्प शर्मन सभी को मेरा सादर प्रणाम और यहाँ सारा उपस्थित जो बौद्धिक वर्ग है। हेलो हाँ जी हाँ जी डॉक्टर साहब आपके हेलो ठीक है आवाज सुनाई दे रही है, थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा क्योंकि आवाज आपका वॉल्यूम कम है थोड़ा। श्योर श्योर जी। यहाँ उपस्थित सभी बौद्धिक वर्ग को सबसे पहले तो मेरा सादर नमन सादर प्रणाम और विशेषतः घारू जी को और मेजर जनरल साहब को और स्पेशली आपको प्रोफेसर आशुतोष जी मेरा हार्दिक अभिनंदन, जो इस तरह के बगैर किसी विशेष पर्सनल लाभ के जो लोग आप संस्कृति और वैदिक
इत्यादि की सेवा में रत हैं, इस सबके लिए मेरा आपको सादर प्रणाम और अभिनंदन। मेरा विचार था कि मैं सबसे पहले ज्योतिष का एक छोटा सा प्रारूप आपके सामने उपस्थित करूं, लेकिन उसके पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे WHO की जो आपने ये शब्दावली बताई स्वास्थ्य को लेके, पहले मैं वहां से शुरू करता हूं। आयुर्वेद इसको क्या कहता है, आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है वो क्या है? आयुर्वेद ये कहता है कि सम दोषः समाग्निष्ठ सम धातु मलक क्रिया संधात्मेन्द्रिय मने स्वस्तित्य विधीते। यहाँ आयुर्वेद की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी ज्यादा विस्तृत है इसको लेकर। दोष अग्नियां धातुएं आयुर्वेद में, मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय देता हूँ क्योंकि फिर वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, क्योंकि आज का जो हमारा विषय रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ज्यादा फोकस करूँ। तो जो दोष है वो पृथ्वी दोष है, ज्यादातर भारतीय जानते हैं कि आयुर्वेद में वायु पित्त और कफ ये तीन दोष माने जाते हैं जिसका बैलेंस इंपॉर्टेंट है। दूसरी हमारी सप्त धातुएं हैं जो रस रक्त मांस में अग्नि मज्जा अस्थि मज्जा और शुक्र है। इसके अतिरिक्त 13 तरह की अग्नियां हैं, जो 5 आपकी भूत अग्नियां हैं, 7 धातु अग्नियां और 1 जठराग्नि। तो आयुर्वेद कहता है कि मान लीजिए मलप्रिया भी ठीक है, आपकी धातु अग्नियां भी ठीक है, आपके त्रिदोष भी ठीक है, आपका सारा कुछ ठीक है, यानी शारीरिक स्तर पे आप ठीक है, उसके बावजूद भी अगर प्रसन्न आत्मेंद्रिय बने, यानी आत्मा इंद्रियां और मन अगर ये सभी प्रसन्न है तब आप स्वस्थ कहे जाते। यहाँ स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन है वो केवल शारीरिक स्तर तक सीमित नहीं है, यहाँ आत्मा शब्द भी इस्तेमाल हुआ है, यानी इट इज बेसिकली वेलबींग ऑफ फिजिकल इमोशनल एज वेल एज स्पिरिचुअल। अब प्रश्न उठता है कि आयुर्वेद में जो चिकित्सा पैटर्न है वो है क्या? मॉडर्न तो जो विद्या है ये केवल 300 वर्ष पुरानी है, उसके पहले जो हमारी सभ्यताएं जीवित रही हैं उनके आधार क्या रहे, उनके जो जीवित रहने का मूलाधार था उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पे रिसर्च हुआ, जिन पे कार्य हुआ? इसमें मैं आयुर्वेद को 3 हिस्सों में बांटता हूं। इसमें सबसे पहले तो वो हिस्सा है जो केवल अथर्ववेद आधारित प्योर हिस्सा था, जिसमें केवल अथर्वणी जो चीजें बताई गई उन्हीं को फॉलो किया गया। उसके बाद लगभग BC यानी क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व से भरत और सुश्रुत संगीता का जो काल रहा, उस काल में जो चिंतन हुआ, उस काल में जो मनन हुआ, जो संहिताएं दोबारा से लिखी गई, उनको दोबारा से पढ़ा गया, उनमें एक बड़ा महत्वपूर्ण चर्चा हुआ, उनमें बड़ा महत्वपूर्ण ये किस्सा चला कि इसको क्या चिकित्सा होनी चाहिए। तो आयुर्वेद में त्रिविध चिकित्सा का वर्णन है। ये कृपया आप सभी समझें कि आयुर्वेद त्रिविध चिकित्सा मतलब 3 तरह की चिकित्सा, और वो 3 तरह की चिकित्सा कौन कौन सी है? सबसे पहले है दैवभ्योपाश्रय चिकित्सा, दूसरी है युक्तिपाश्रय चिकित्सा, और तीसरी है सत्वाजय। अब इसमें प्रश्न उठा कि जो युक्ति विपाश्रय है उसका अर्थ है कि आप कौन सी औषधियां, कौन सी टेक्निक्स, कौन सी चीजें इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति का इलाज करोगे, दिस इज नोन एज युक्ति विपाश्रय। दूसरा इसमें आया सत्वाजय, सत्वाजय का अर्थ हुआ कि मन को विजय करना, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं आचार रसायन। आचार रसायन का अर्थ है समय से जागिए, समय से सोइए, सच बोलिए, अच्छा आहार लीजिए, बाहर की चीजें ना खाइए, झूठा ना खाइए इत्यादि इत्यादि, ये सत्वाजय। और तीसरा इसमें था दैवभ्योपाश्रय। दैवभ्योपाश्रय में जो चिकित्सा का सिद्धांत था उसमें मुख्यतः 3 चीजों को ऐड किया गया था, मंत्र, मणि और औषधि। और मैं कहूंगा कि ये आज का वो सब्जेक्ट है जिसपे हम सभी आज चर्चा होने वाली है कि मंत्र, मणि और औषधि ये 3 जो वर्ग थे ये लुप्त प्राय हो गए पिछले लगभग 200 वर्षों में। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि एक ही सेगमेंट की 3 अलग अलग धाराएं निकल आई। जो युक्ति विपाश्रय चिकित्सा करने वाले लोग थे वो वैद्य हो गए, उन सबका एक ही काम हो गया कि हम दवाइयों से चिकित्सा करेंगे। जो सत्वाजय वाले लोग थे वो सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, वो सारे धार्मिक गुरु हो गए,
उन्होंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि आप इस तरह से करिए तो मोटिवेट हो जाएगा, ये हो गया। और तीसरे नंबर पे जो दबाबे पाशा थे वो सारे के सारे लोग ज्योतिष की ओर चले गए। ऐसा होने से हुआ क्या कि स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए जो मूल प्रयास होना चाहिए था, जो संयुक्त प्रयास होना चाहिए था, वो प्रयास निर्मूल हो गया। इससे हुआ क्या कि ना ज्योतिष सिद्ध हो पाया, ना चिकित्सा सिद्ध हो पाई, और ना ही हम संसार को मोटिवेट कर पाए, और तीनों के तीनों अलग अलग व्यवसाय के रूप में आ गए। ऐसा करने से जो मूल प्रयास था कि पुण्य अर्जन करना है और लोगों को हित करना है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि दया धर्म का मूल था, अगर दया धर्म का मूल था तो ये सब चीजें बिकने के लिए नहीं थी, ये समाज का हित होने के लिए थी। वो व्यवस्था बाद में आती थी कि अर्थव्यवस्था उसमें बाद में आई। अब प्रश्न उठा कि दबाबे पाशा में जब मंत्र मणि और औषधि का वर्णन आता है, तो यहां पहले मैं थोड़ा सा विस्तार में कहना चाहूंगा कि ज्योतिष का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव है, क्या ज्योतिष का हमारे शरीर पे कोई प्रभाव भी है? जो हमारा आज का बौद्धिक वर्ग है, हम उसको क्या कह के बताएं कि ज्योतिष तुम पे कैसे असर करेगा? मुसीबत सबसे बड़ी ये है कि ये बिल्कुल वैसा है कि जो कोई व्यक्ति मुझे ये कहे कि आप मुझे ज्योतिष चाइनीज में पढ़ाएं, क्योंकि मुझे चाइनीज नहीं आती इसलिए मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करता, आप गलत हो, तो मैं उनको ये कहूंगा कि भाई ठीक है, मैं कभी प्रयास करूंगा आपकी भाषा में समझाने का, लेकिन फिलहाल जितना काम अवेलेबल है वो ये है, वो ये जो अभी अवेलेबल स्टाफ है वो ये है, आप इसको प्रयास करिए। एनीवे, मैं कुछ कुछ कोशिश करूंगा इसको थोड़ा समन्वय करने की। सबसे पहले हमें थोड़े में ये समझना होगा कि ज्योतिष में तीन चीजों पे सबसे बड़ा महत्व है। सबसे पहले, सबसे परे, यानी आप यूं मान के चलें कि हम यहाँ पे बैठे हैं, इसके इसके ऊपर जो हमारा ब्रह्मांड है उसको तीन हिस्सों में हम बांट लें, तो सबसे ज्यादा दूरी पे हमारे नक्षत्र है। नक्षत्र आर द स्टार कॉन्स्टिलेशंस, और भारतीय पद्धति या ज्योतिष उसको 27 या 28 नक्षत्र मानता है। 28वां नक्षत्र अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, उसको अभिजित कहा जाता है, और बाकी के जो नक्षत्र हैं उनको अभी प्रचलन में लिया जाता है। उन नक्षत्रों के बाद जो कम दूरी पे हैं, जिनको हम कहते हैं कि हमारे जो ज़ोडियक में आते हैं, उसके बाद से आते हैं हमारी 12 राशियां। उन 12 राशियों के बाद हमारे आते हैं 9 ग्रह। वास्तव में 7 ग्रह हैं, लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह हैं, उनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन नोड्स होने की वजह से उनको हम भी ग्रहों में मानते हैं, लेकिन छाया ग्रह कहे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इतनी बड़ी प्लेनेटरी बॉडीज हैं, अभी हम सब लोग एस्ट्रोनॉमिकली इस बात को समझते हैं कि हम फिजिकल वर्ल्ड में किस तरह से सस्पेंडेड है, जो अभी कारण अज्ञात है, कैसे हो रहा यह भी अज्ञात है, लेकिन कुल मिला के हमारे चारों ओर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टार्स का, कॉन्स्टिलेशंस का, और घूमने वाली बॉडीज का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लक्स है। उस फ्लक्स का सर्टेनली एक रूल की तरह है कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन दिस यूनिवर्स, जो भी इस ब्रह्मांड में हो रहा है, ए सर्टेन, इट इज क्रिएटिंग ए सर्टेन वाइब्रेशन। दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशन और पर्टिकुलर फ्लक्स हैज ए पर्टिकुलर इफेक्ट ऑन एवरी पर्टिकुलर बॉडी। रिमेंबर, हम प्रत्येक लोग अलग अलग हैं। हमारा जो वेद है वो ये कहता है कि कोई दो कण इस पृथ्वी के एक जैसे नहीं है, केवल दो सूक्ष्मतम कणों में भी आपस में विभेद है। तो इसका अर्थ हुआ कि उस प्लेनेटरी फ्लक्स का या हमारे आसपास घूमने वाले जो बॉडीज हैं उनका जो वाइब्रेशन है उसका भी हम सभी के ऊपर अलग अलग तरह से प्रभाव आता है। बहुत लंबी चर्चा रही होगी, कई कई युग लगे होंगे इन चीजों के ऊपर काम करने को। बहुत ज्यादा हैरानी होती होगी लोगों को कि अरे यार, रात को तो ये ठीक था, अब सुबह ये बीमार है। क्या वजह है कि कोई आदमी जन्म से क्रोधी पैदा हो रहा है और कोई आदमी जन्म से ही बीमार पैदा हो रहा है? क्या वजह है कि बहुत छोटी छोटी उम्र में हम ऐसे लोगों को कई बार फेस करते हैं जो बड़े प्रिविलेज, जिनको बोलते हैं कि वाह क्या बात, क्या विलक्षण प्रतिभा लेके छोटा सा बालक पैदा हुआ है? क्या ऐसी कारण रहता है कि एक ही परिवार रात को सब लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं और सुबह उठ देखते हैं तो एक आदमी उनमें से बीमार पेट पकड़ के बैठा है और बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं? इन सब विषयों के ऊपर जब मनुष्यों ने चिंतन किया होगा तो जरूर उसमें से ये निकल के सामने आया होगा कि हमें कुछ तो ऐसा है जो बाहरी है, हमें नहीं दिखता है और हम पे प्रभाव डालता है।
अनेकों अनेक सैकड़ों वर्षों की रिसर्च के बाद या जो भी उनके पास दिव्य दृष्टि रही होगी या वट एवर, तो दे हैव डिवाइज्ड सर्टेन मेथड्स टू करेक्ट दिस। एक बड़ा गणित इसके पीछे काम करता रहा होगा या जो कुछ भी रहा होगा, उस विषय में अभी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वो सब्जेक्ट बहुत ही लंबा खींचेगा। तो मैं मूलतः आपको कहता हूं कि जो हमारा जोडियक है उसमें 12 राशियां, 27 नक्षत्र और जो ग्रह हैं, इन सब का हमारे शरीर पे अलग अलग तरह से प्रभाव आता है। ज्योतिष में संसार की सभी वस्तुओं को, ज्योतिष में संसार की सभी वस्तुओं को 9 हिस्सों में बांट दिया गया। 9 हिस्सों का अर्थ क्या है कि प्रत्येक ग्रह का अलग अलग तरह से अलग अलग चीजों पे प्रभाव आता है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल आजकल कोरोना की बात चल रही है, तो आपसे बड़ी, आपने अक्सर सुना होगा कि अरे भाई शायद ये चमगादड़ों से आ गया। अब आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि चमगादड़ को ज्योतिष में बुध माना जाता है, मांस खाने को शनि माना जाता है। खैर ये चर्चा मैं लास्ट में करूंगा कि कोरोना के लिए क्या हुआ और क्या करना चाहिए और कब तक रहेगा वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको सैद्धांतिक स्तर पर इसलिए ये चर्चा दे रहा हूं कि हम में से कोई भी है, चाहे वो संबंध है, चाहे वो चर चीज है, चाहे वो अचर चीज है, चाहे वो मृतक है, चाहे वो जीवित है, लेकिन उन सबको हमने 9 ग्रहों में बांट दिया। अब उन 9 ग्रहों में परस्पर मित्रता और शत्रुता, ये अगला कंसेप्ट है जिसको हमें समझना चाहिए। ये ग्रह अपने अपने हिसाब से कई बार एक दूसरे से मित्र या शत्रु हैं। इसी तरह से जो 12 राशियां हैं उनमें भी बैठे हुए ग्रह कुछ ऐसे हैं यहाँ पे वो ज्यादा ताकतवर असर के हो जाते हैं, और कुछ स्थान ऐसे हैं यहाँ पे जाके वो ग्रह कमजोर हो जाते हैं। कुछ ग्रह ऐसे हैं जब किसी विशेष राशि में बैठते हैं तो शत्रुता का प्रभाव देते हैं, और वही कुछ ग्रह ऐसे हैं जो किसी विशेष राशि में अगर बैठते हैं तो वो अच्छा प्रभाव देते हैं। याद रहे प्लैनेट्स स्थिर नहीं है, ये मूव करते हैं, गोचर बोलते हैं इसको, क्योंकि पृथ्वी मूव कर रही है, प्लैनेट्स भड़े ही अपनी जगह पे कैसे भी हों, लेकिन इन एनी केस वो सारी मूवमेंट हमें हॉरोस्कोप के जरिए समझने में आती है जो कि 12 राशियों के भीतर समाया गया है। जैसे अभी प्रोफेसर आशुतोष जी ने बताया कि उन 12 राशियों को हमने इस तरह से बांटा कि उनमें 9 ग्रह घूमते। अब अगली बात आई जो हमारा आज का विषय है कि शरीर पे उसको कैसे देखा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की कहां से शुरुआत की जाए। शरीर को 12 भागों में विभक्त किया गया है जो एक बड़ा सरल विभाजन है। सिर से लेके पैर तक, 1 से लेके 12 तक, ये इस तरह से भाव गिने गए। अब अगर आप इसको समझें तो सबसे पहले जो ऊपर मस्तक का भाव है वो सूर्य का माना जाता है, यानी खाना मतलब भाव नंबर 1 का। फिर उसके बाद जो चेहरा है उसको भाव नंबर 2 माना गया, गर्दन को भाव नंबर 3, छाती को भाव नंबर 4, नाभि से ऊपर के हिस्से को भाव नंबर 5, नाभि के इर्द गिर्द के हिस्से को भाव नंबर 6, सेक्सुअल ऑर्गन्स वाले हिस्से को भाव नंबर 7, गुदा इत्यादि उनको भाव नंबर 8, हमारे जो थाइस हैं उनको भाव नंबर 9, घुटनों को भाव नंबर 10, पिंडलियों को भाव नंबर 11 और पैरों को भाव नंबर 12। ये बड़ा मौलिक सा एक विभाजन है जो कि हमारे केवल भारतीय परंपरा ही नहीं, अभी तो लेटिन में भी, ग्रीक में भी, सब जगह इसी पैटर्न को फॉलो किया जाता है, और ये कारामत भी। ये बात समझने के बाद आप ये समझिए कि अब 1 से लेके 12 राशियां शरीर के सिर से लेके पैर तक स्थित है। अब आपका जो हॉरोस्कोप है वो आपको एक विंडो देता है, आपको एक खिड़की दे रहा है आपके ब्रह्मांड में झांकने की। उस खिड़की के जरिए आप, उस हॉरोस्कोप के जरिए इस वक्त ग्रहों की ब्रह्मांड में क्या स्थिति है, जोडिक में वो कहां घूम रहे हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। ये एक सरलतम तरीका है उसको देखने का, ये खिड़की है। अब प्रश्न उठा कि अब जो भाव है 1 से लेके 12 तक, इनमें ग्रह 3 तरह से प्लेस्ड हैं। एक तो जब हमारा जन्म हुआ तो उस वक्त जो भाव प्लेस्ड थे उसको हम बोलते हैं वो स्क्रीन शॉट है। हमारे जो हमारी पद्धति है वो कहती है कि पूर्व कर्मों के अनुसार हमारे ग्रहों की स्थिति, प्रत्येक आत्मा अपने साथ दो संस्कार लेके आती है, प्रत्येक मनुष्य के ग्रहों की स्थिति जन्म के समय एक पर्टिकुलर स्थिति में हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल कोई आदमी पैदा हुआ तो हो सकता है उसका सूर्य 3रे भाव में हो, चंद्रमा 2रे भाव में हो, केतु 11वें भाव में हो, या कोई और ग्रह कहीं भी बैठा हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। दूसरी बात इसमें ये आती है
कि गोचर यानी इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसी है। उदाहरण के लिए जैसे आप ये मान के चले कि किसी आदमी का लग्न, लग्न का अर्थ होता है कि जब पैदा हुआ तो उस वक्त पूर्व की दिशा से कौन सी राशि का उदय हो रहा था। अब मान लीजिए जब किसी का जन्म हुआ तो उस वक्त पूर्व की दिशा से मेष राशि का उदय हो रहा था। अब मेष राशि का जो स्वामी है उसको मंगल माना जाता है। अब मंगल मान लीजिए ऐसे व्यक्ति के छठे घर में पड़ा है, यानी जोड़ी की कंडीशन के हिसाब से मंगल की स्थिति उस वक्त छठे भाव में आ गई। अब छठा भाव जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये रोग कारक भाव, ये शत्रु का भाव। अब ऐसे में मान लीजिए लगन का स्वामी, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जो लगन का लॉर्ड है, यानी लगन वाज मेष और उसका जो लॉर्ड है मंगल, दैट वाज दैट गॉट प्लेस्ड इन सिक्स्थ हाउस, तो जो छठा घर है वो रोग का घर है, शत्रु का घर है। तो ऐसे में संभावना है कि ऐसे जातक, ऐसे इंसान का जीवन भर बीमारियों से लगातार साथ रहे और किसी न किसी रूप में उसके शरीर में कष्ट बना ही रहे। अब अगली बात आती है कि क्या ये प्लैनेट्स जो हैं इनके अलग अलग रोल्स क्या हैं। अब हम कहते हैं कि शरीर में जो हमारी दाई आंख है उसका स्वामी सूर्य है, इसी तरह शरीर का तेजस्वी होना, इसी तरह हड्डियों का मजबूत होना, इसी तरह दिल का मजबूत होना, यानी कहा जाता है कि जिसका सूर्य क्षीण हो उसकी पैल्पिटेशन होती रहती है, एंग्जाइटी होती रहती है। और हमने ये प्रत्यक्ष में देखा कि कोई आदमी अगर बहुत खुश हो तो अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं इज अ सनी पर्सन, इज अ वेरी हैप्पी पर्सन, ब्राइट मैन। इसी तरह से जो आदमी ग्लूमी हो जाए, उदास रहता हो, हम उसको कहते हैं ही इज अ मूनी मैन, ही इज अ मूडी पर्सन। सिमिलरली इफ ए पर्सन इज विद क्विक टेम्परामेंट एंड एजाइल, हम उसको कहते हैं इसे मर्क्यूरियल मैन, यार बड़ी मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी इसकी। इसी तरह हर वक्त लड़ने को तैयार हो तो हम कहते हैं इसे मार्शियन। रिमेंबर दीज ऑल वर्ड्स आर बीन सेलेक्टेड बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सेंचुरीज। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि विभिन्न विभिन्न ग्रह शरीर में अलग अलग परिस्थितियों को, अलग अलग कंडीशन को लीड करते हैं, रूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंगल जो है उसको रक्त का कारक कहा गया है, मंगल को पेट का कारक कहा गया है, मंगल नहीं आ रही। डॉक्टर अधिकार बुद्ध का है, बुद्धि पे अधिकार बुद्ध का है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो बीच में से आवाज चली गई थी। हाँ जी, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। इसी तरह से बृहस्पति को, हाँ, इसी तरह से बृहस्पति को वैदिक दृष्टिकोण से लिवर का रूलर कहा जाए, क्या है कि बाइलरी जो इफेक्ट है वो बृहस्पति लेके आते हैं। इसी तरह शुक्र को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का और स्किन का रूलर माना जाता है, सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। शनि को क्रॉनिक डिसीजेस का देवता माना जाता है। इसी तरह से जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं वो सूर्य से देखे जाते हैं। इसके अलावा आजकल की तिथि में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एंग्जाइटी, एंग्जाइटी राहु से देखी जाती है, चंद्रमा से देखी जाती है। जिस भी हॉरोस्कोप में राहु या चंद्रमा खराब मिलते हैं उस हॉरोस्कोप में इसके अतिरिक्त जो केतु है उसको ऐसा माना जाता है कि वो रोग, कई बार ऐसे रोगों से लोग पीड़ित हो जाते हैं जिनका डायग्नोसिस ही नहीं बन पाता, वो यही रोते रहते हैं कि यार मुझे बीमारी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बीमारी है, मैं क्या करूं, कभी मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं उसके। इन लोगों को कहा जाता है कि ये केतु से पीड़ित है। अब भाई ये तो हुई एक मोटी मोटी सी बात। अब मान लीजिए कोई ऐसा किस्सा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये पता ही नहीं कि मेरा हॉरोस्कोप क्या है। उनके लिए हमारे मनीषियों ने कहा है कि आपको नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं, आप केवल ये बताइए दिक्कत क्या है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आके कहता है कि मुझे तो सिर में भयानक दर्द रहता है,
तो किसी भी पत्री को देखे बगैर, किसी भी ज्योतिषी को कंसल्ट किए बगैर आप सोच सकते हैं कि आपकी पत्री में खाना नंबर एक सूर्य और राहु खराब है। आप उनका उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इसी तरह मान लीजिए, मैं उदाहरण एक और देता हूं कि खाना नंबर जो 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 भाव नंबर तीसरा है, जो भाव नंबर तीन है उसका स्वामी बुध है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली से तीन नंबर का स्वामी, मिथुन राशि का स्वामी बुध है। अगर मान लीजिए खाना नंबर तीन में बुध का शत्रु यानी केतु बैठ जाए सपोज, या चंद्रमा बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति डिस्टर्ब हो जाएगी और उसको गर्दन के संबंधित रोग हो जाएंगे, गर्दन में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, कंठ से संबंधित रोग हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपकी मनोस्थिति समझूंगा उन लोगों के लिए जो जिनके लिए ज्योतिष इतना नया सब्जेक्ट है, उनको बड़ी मुश्किल होगी ये सब थोड़ा पकड़ने में, लेकिन आप इसको यूं समझिए कि भाव नंबर तीन का स्वामी जो आधिपत्य है वो गर्दन के ऊपर है, और उसका जो स्वामी है वो राशि नंबर तीन यानी बुध है। और अगर ऐसी स्थिति में तीसरे नंबर भाव में अगर सपोज बुध का शत्रु बैठता है तो व्यक्ति को गर्दन और गले में रोग रहेगा, सर्वाइकल की दिक्कत उसको तंग करेगी। ऐसे में उसको अगर वो हॉरोस्कोप जानता है तो ये देखे कि भाव नंबर तीन में क्या है, और अगर वो नहीं जानता तो केवल मात्र बुध का उपाय करने से गर्दन का दर्द में ठीक हो जाएगा। याद रखिए केवल औषधीय चिकित्सा 33% है एज पर आयुर्वेद, टोटलिटी का 33% औषधीय चिकित्सा है, 33% आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है और 33% आपका भाग्य है। आयुर्वेद कहता है कि रोग उत्पत्ति के तीन कारण है। सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे पहला कारण है असात्मेंद्रिय आठ संयोग। इसका अर्थ क्या है? अनजाने में आपको नहीं पता चल रहा, रात को एसी ठंडा चल रहा था, आप सारी रात एसी में सोए रहे तो सुबह आप बीमार, या आपने गलती से किसी बिजली की तार को हाथ लगा लिया तो आपको करंट लग गया, या आपको जल गए, या आपको असात्मेंद्रिय आठ संयोग हो गया, सर्प ने काट लिया। तो असात्मेंद्रिय आठ संयोग का मतलब है कि इंद्रियों का जिन विषयों से संयोग नहीं होना चाहिए था उनसे हो गया। दूसरा कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का अर्थ क्या है? कि जानबूझ के किया अपराध। किसी को पता है कि शराब पीना उसके स्वास्थ्य के लिए खराब है, वो फिर भी पी रहा है। किसी को पता है कि मुझे तेज नमक नहीं खाना चाहिए, वो फिर भी खा रहा है। किसी को पता है कि मैं रात देर तक नहीं जागूं, वो फिर भी जाग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड प्रज्ञापराध। तो ये रोग का दूसरा कारण। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है काल। अब यहां इसको कनेक्ट करिए आप कि दैवोपाश्य, युक्ति विपाश्य और सत्वाजय, हमने तीन विषयों की चर्चा की थी जो चिकित्सा तीन तरह से होती है, और वो इन्हीं कारणों में से निकली हुई चीजें हैं। अब आप इसको कल्पना करिए कि काल इतना महत्वपूर्ण है कि जब से काल पुरुष कुंडली के हिसाब से शनि ने मकर राशि में ट्रांजिट किया है, लगभग पिछले सितंबर अक्टूबर के आसपास से, उस वक्त के आसपास से ऑस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगने से सब किस्से शुरू हुए। और अगर अभी हम देखें तो ये किस्सा अभी एक साल डेढ़ साल और चलने वाला है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट अभी वहां कंटिन्यू रहेगा। इसको हम ज्योतिष में कहते हैं गोचर का प्रभाव। ये हमारा विषय आज का नहीं है, क्योंकि आज का विषय तो हमारा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यानी इसके ऊपर फोकस्ड है, तो मैं ज्यादा इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो काल तीसरा कारण है रोग का, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न उठा मंत्र मणि और औषधि। तो आयुर्वेद में हमने कहा कि भाई ये कठिन है, हम किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, फिर वो हमें पता नहीं क्या बताएगा, फिर हम क्या करेंगे, और किसी के पास साधन सुविधा हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई ये याद रखिए, ये किस्सा ज्योतिष नहीं है, ये आयुर्वेद की बात है। इसमें ज्योतिष एक उपांग है, ज्योतिष एक हिस्सा है, जैसे मैंने कहा कि वो 33% ऑफ टोटलिटी। तो भाई उसमें उन्होंने कहा कि जब किसी का सूर्य खराब हो और सूर्य की वजह से शरीर में कष्ट आ रहा हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो रही हो, दिल धड़क रहा हो, भय आ रहा हो, लकवा हो जाए, मुंह से थूक आता रहे हर वक्त, तो कहा जाता है कि सूर्य खराब हो गया। ऐसे में उन्होंने कहा है कि दो पौधे, दो औषधियां इसमें इलाज का काम करेंगी। कौन कौन सी? अर्क और बिल्व। अर्क यानी मदार,
हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है, और बिल बिल पत्र जो भगवान शंकर जी पे चढ़ाए जाते हैं, बिल पत्र, तो कहा जाता है कि केवल इसकी लकड़ी को शरीर में बांधने से उसको औषधीय गुण मिलता रहेगा। या फिर हमारे कितने सारे ग्रंथों में ऐसी बात आई है कि बिल के पास, बिल के पत्र का प्रयोग या बिल पत्र को भगवान शंकर जी पे चढ़ाना या बिल की उपासना करना, तो ये वास्तव में सूर्य को उच्च करने का उपाय, सूर्य को ठीक करने का उपाय। इसी तरह जिन लोगों का चंद्रमा क्षीण है, उनके मूड्स में दिक्कत रहती है, उदासी, रोने को मन करना, नेगेटिविटी, अभी प्रसन्न है अभी उदास है, और इसी तरह से चंद्रमा से एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है स्त्रियों के पीरियड से संबंधित समस्या। आजकल छोटी उम्र की और बड़ी उम्र की भी सब स्त्रियों में एक दिक्कत आ रही है, पीसीओडी, जो फर्टाइल फीमेल है उनमें एक प्रॉब्लम आ रही है पॉलीसिस्टिक ओवरीज की, जो कि हॉर्मोन्स के डिस्टर्बेंस की वजह से। और अगर इसको आप डीप में जाके देखें तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो चंद्रमा का खराब होना। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि दो पौधे ऐसे हैं, दो हर्ब्स ऐसी हैं जो चंद्रमा को अच्छा करती है। कौन कौन से? एक ढाक, जो ढाक का पौधा होता है, और एक खिरनी। मुझे मुझे ऐसा मैं महसूस कर सकता हूं कि ज्यादातर लोग इसके विषय में कम जानते होंगे, लेकिन ये इजीली अवेलेबल चीजें हैं, ढाक और खिरनी। इनकी सूखी लकड़ी भी मिल जाती है, अगर कुछ नहीं भी समझ आए तो हवन सामग्री की दुकानों से ये सब मिलता है सामान। इसी तरह जिनका मंगल खराब है, पेट के लगातार रोगी रहते हैं, हर बार सर्जरीज होती हैं, गुदा पे दिक्कत हो जाती है, या बवासीर इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, या खून में दिक्कत आ सकती है, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनमें मंगल का इलाज होना चाहिए। मंगल के लिए जो इम्पॉर्टेंट हर्ब्स हैं वो है खैर यानी खदर और अनंतमूल। अनंतमूल की जड़ को शरीर पे बांधने से या जेब में रखने से या अनंतमूल के पौधे के पास जाने से या उसको औषधीय तौर पे प्रयोग करने से मंगल ठीक होता है। इसी तरह अगले बुध आता है, तो बुध जिन लोगों को इंटेस्टाइनल ट्रबल रहती, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट है, नेजल साइनसिस की प्रॉब्लम रहती है, यानी वो सब जगह जिनमें नालीदार संरचनाएं हैं, चाहे वो मूत्र मार्ग है, चाहे वो अंतड़ियों का मार्ग है, चाहे वो नाड़ियां हैं, चाहे वो खाली जगह है, चाहे वो कर्ण का खाली पूर्ण है, यानी जिनको बार बार ऐसी जगह पे दिक्कत रहती है, यहाँ नाली है, वहां बुध खराब है। और बुध को अच्छा करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि अपामार की जड़ और विधारा की जड़, ये दो औषधियां ऐसी हैं जिनको बतौर औषधीय और ज्योतिषीय उपाय आप अपने पास रखें। बृहस्पति के लिए तो सब लोग जानते हैं कि हल्दी, पीपल और केला, केले का पेड़, इनको माना जाता है कि ये जो बृहस्पति से बृहस्पति को उच्च करने की चीजें हैं। जिन लोगों का बृहस्पति क्षीण है उनको दमे की शिकायत हो जाती है, जिनका बृहस्पति क्षीण है उनके लिवर में बड़ी जल्दी दिक्कत आती है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर भाग्य साथ ही नहीं दे रहा, आपको शरीर में बृहस्पति के कारण दिक्कतें हो रही हैं, तो आप पीपल के पेड़ को जल दें, केले की जड़ को पास रखें, ये उसका उपाय बताया जाता है। इसी तरह शुक्र के खराब होने पे जो औषधियां हैं वो गूलर और शरपुंखा है। शरपुंखा आप नहीं समझते होंगे, गूलर लेकिन इजीली मिल जाता है, शरपुंखा लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ढेर सारा आसपास सब जगह सड़कों पे लगा हुआ। तो शरपुंखा की जो जड़ है वो शुक्र को उच्च करती है। ध्यान रहे, सेक्सुअल रिलेटेड ट्रबल्स, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, स्किन से जुड़ी दिक्कतें जो क्रॉनिसिटी को अचीव करती हूँ, जैसे एक्जिमा हो गया, आपको सोराइसिस हो गया, इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो शुक्र से हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि शुक्र उच्च होने की आवश्यकता है, और शुक्र की एक और अच्छी निशानी होती है कि गृहस्थ अच्छा नहीं होता। अब मैं फिर वही याद कराना चाहूंगा कि एक वैद्य के पास ही इन तीन चीजों का एक साथ उपाय था। एक वैद्य ही था जो तीनों चिकित्सा कर रहा था, एक वैद्य ही था जो मंत्रमणि औषधि भी दे रहा था, जो युक्ति से चिकित्सा भी कर रहा था, और जो सत्वादे यानी आचार रसायन भी बता रहा था कि आप कैसे जिए, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कब सोएं, कब जागें, क्या करें। तो ये सारा वैद्य के पास था। वो तो समय का खेल रहा कि वो तीनों की तीनों धाराएं अलग अलग हो गई और ये चिकित्सा क्षीण हो गई। इसके अलावा जिनका शनि खराब है उनके लिए शमी का वृक्ष, जो शमी का वृक्ष है वो शनि का उपाय बताया जाता है इसके लिए। जो ज्योतिषी वृक्ष शनि के लिए कहा जाता है वो शमी है। इसके अलावा राहु के लिए दूर्वा बताया जाता है, दूब जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, और केतु के लिए कुशा बताई जाती है, जिसको अक्सर हम ग्रहण में प्रयोग करते हैं।
अभी ग्रहण से बात आई तो अभी आने वाले समय में ग्रहण है, सूर्य का ग्रहण। तो हम सभी ये प्रत्यक्ष में भी जानते हैं और देखा भी जाता है कि जब कभी बार बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होना शुरू होते हैं उस वक्त प्रकृति की ओर से शरीरों पे और समाजों पे आपदाएं विपदाएं आके खड़ी हो जाती। ऐसे में हमारे मनुष्यों ने इसको एक आर्थिक व्यवस्था की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे जिसको इसका ज्ञान है उसको भी फल मिले और जिसको इसका ज्ञान नहीं है उसको भी फल मिले। उसके लिए हमारी पद्धति में, हमारी संस्कृति में पर्वों का प्रयोग हुआ, हमने पर्व बना दिए। हमने कहा जी कि दीपावली के वक्त सूर्य, कार्तिक का मास है और सूर्य अपनी नीच स्थिति में है। अब ऐसी परिस्थिति में इसका अर्थ क्या हुआ कि काल पुरुष कुंडली से अगर सूर्य नीच है तो ऐसी स्थिति में सारे समाज का सूर्य नीच हो गया। तो उन्होंने कहा कि सारे समाज के लिए हम एक छोटा सा काम करेंगे, हम एक अवसर पैदा करेंगे जिसको हमने दीपावली कहा। दीपावली को हमने क्या किया कि जब अमावस की रात आई और पूरी तरह से शनि का आधिपत्य स्थापित हो गया उस वक्त हमने रोशनी जला के सूर्य को प्रबल करने की चेष्टा की। ये वास्तव में पूरे समाज के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और वैसे आप वेलबींग के लिए एक सामूहिक उपाय है। इसी तरह सूर्य जब मकर की राशि में गए तो हमने क्या किया, हमने लोहड़ी का त्योहार रख दिया। मकर संक्रांति में हमने क्या किया कि केतु को उपाय करते हुए खिचड़ी का दान किया। जो खिचड़ी है उसमें सफेद और काला रंग है तो उसको केतु की चीज माना जाता है, हमने उसका उपाय किया। और उसी मकर में हमने शाम के समय अग्नि प्रज्वलित की सूर्य को उच्च करने के लिए। याद रखिए अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सूर्य उच्च होता है, अग्नि सूर्य का प्ररूप माना जाता है। इसी तरीके से बुध को अच्छा करने के लिए हमने होलिका का प्रयोजन किया। गंगा स्नान करने से सभी का बृहस्पति उच्च होता है, तीर्थ स्थान करने से सभी का बृहस्पति उच्च होता है, मंदिर जाने से सबका बृहस्पति उच्च होता है। हमने समाज को बजाय ज्योतिषी भाषा में ये बात समझाने के कि आप इसको समझिए, नहीं, हमने कहा कि ये करिए इससे आपको पुण्य मिलेगा। पुण्य का तात्पर्य क्या था, स्वस्थ रहेंगे तो अर्जन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो प्रसन्न होंगे, स्वस्थ रहेंगे तो पुण्य भी करेंगे। ये अलग बात है कि स्वस्थ रहने पे लोग पाप भी करते हैं, वो एक दूसरी बात में चला जाता है। इसके अलावा हमने अपने समाज के छोटे छोटे ताने बाने में शरीर को इन ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए बहुत सारी चीजों का प्रयोजन किया। जैसे हमने क्या किया कि जो मृतक के शरीर पे डालने वाला कपड़ा है उसका वस्त्र सफेद कर दिया, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से हमने कहा कि जो श्वेत वस्त्र है ये चंद्रमा का प्रतीक है और जो मृत शरीर है ये शनि का प्रतीक है। याद रखिए शनि की काली रात को केवल और केवल चंद्रमा हर सकता है, सूर्य भी रात को नहीं उपस्थित होते तो केवल चंद्रमा इतना बली रहता है कि वो शनि को दबा सकता है, शनि के कुप्रभाव से शरीर को बचाता है। तो इसलिए हमने मृतक के ऊपर श्वेत वस्त्र को कफन की तरह देना शुरू किया। इसके अतिरिक्त एक परंपरा का जन्म हुआ कि शमशान का जो पानी है, क्योंकि पानी को चंद्रमा लिया जाता है कि वो चंद्रमा शनि को शांत कर सकता है, ऐसी परिस्थिति में जब भी आप शमशान से आए तो शमशान के पानी से स्नान करके आए और वो स्नान वस्त्र समेत हो और वो वस्त्र वहीं उतार के आए। इसका भाव क्या था, इसका भाव केवल इतना था कि अगर आपको कोई ऐसा अवसर उपस्थित हुआ है जब आपको ऐसी दुखद परिस्थिति की ओर जाना पड़े, आपको शमशान जाना पड़े, अस्पताल जाना पड़े या किसी ऐसी स्थिति में जाना पड़े, ऐसे में शनि को शांत करने का एकमात्र उपाय था चंद्रमा। तो चंद्रमा का प्रयोजन करने का पूरे समाज को बताया गया, ये बताए बगैर, क्योंकि उसमें इस तरह के किसी आर्थिक लाभ की कोई आशा नहीं थी, कोई आर्थिक लाभ की कोई इच्छा नहीं थी किसी को कि हमें आर्थिक लाभ हो, हम तो बताएंगे कि तुम कौन से वस्त्र पहन के जाओ। तो वास्तव में ये लोक हिताय, जिसको कहते हैं कि सब लोगों की भलाई के लिए, तो वास्तव में ये था आयुर्वेद का वो स्वरूप जो आयु का वेद था, जो औषधि का वेद नहीं था। तो आयु में उसने क्या कहा कि हिताहितम सुखम दुखम आयुष्तस्य हिताहितम मानंच यत्र तत्रोक्तम आयुर्वेद सोचते। तो जो हित बताए, अहित बताए, सुख आयु कैसे आती है, दुख आयु कैसे आती, इसकी चर्चा करे आयुर्वेद, तो वो था। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन दिस सेंचुरी नाउ, बिकॉज ये समय आ गया है कि जब हम अपनी टोटल चिकित्सा पद्धति में से उस 33% में और 33% शामिल करें।
अब हो क्या रहा है कि एक पूरा प्रयास हो रहा है 33% के लिए, हम किसी भी औषधि को तैयार हो गए हैं। कोरोना की पेंडेमिक के बाद लोगों के मन में ये बात स्पष्ट हो गई है कि भाई केवल अस्पताल उपचार नहीं हो सकते, अस्पताल मदद है। केवल एलोपैथी उपचार नहीं हो सकती, एलोपैथी हमारी सहायक है और जबरदस्त सहायक है। हम अस्पतालों के योगदान को, डॉक्टर्स के योगदान को, नर्सेज के योगदान को कतई भी कम करके नहीं आंक सकते। अगर आज वो नहीं हो तो संसार विक्षिप्त हो जाएगा, इतनी बुरी हालत है। लेकिन उनके होने के बावजूद भी हम एक ऐसी दयनीय स्थिति में है मानो कि आज तक हमने चिकित्सा पद्धति को जाना ही नहीं। आज की जो स्थिति है, आज हम हर एक आदमी ये चर्चा कर रहे हैं कि हमें इम्यूनिटी बूस्ट करना है, इम्यूनिटी बूस्ट करना है। यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का महत्वपूर्ण रोल है। हम जब भी किसी से चर्चा करते हैं, आज की बात नहीं आप लें, तो हम क्या कहते हैं, जी आप गर्म पानी पीजिए, आप गुनगुना पानी पीजिए। जरा कल्पना करके देखिए एक क्षण के लिए कि गर्म पानी के जो औषधीय फायदे हैं सो तो हैं, लेकिन उसमें एक और विरूप भी है, उसमें एक और उसका रूपक भी है कि उसमें हमने सूर्य के अंश को ऐड किया। ठंडा पानी जो बहुत याद रखिए तीन चीजों में विभक्त है, जैसे मैंने कहा कि जो हमारा ज्योतिष है इसने संपूर्ण समाज को, संपूर्ण लोगों को, संपूर्ण सृष्टि को 9 हिस्सों में बांट रखा है। ऐसे में हम क्या कहते हैं कि जो सुखद शीत है, जो अच्छा लगने वाली ठंडक है, वो चंद्रमा की ठंडक है, उससे संतोष मिलता है। जो अच्छी लगने वाली ऊष्मा है, जो सुखद ऊष्मा है, वो सूर्य है। जो तीव्र ऊष्मा है वो खराब मंगल है। जो मध्यम ऊष्मा है जिससे रोटी पकती है वो अच्छा मंगल है। जिससे कफन जलाया जाता है वो खराब मंगल माना जाता है। इसी तरीके से जो बहुत ठंड होती है वो शनि माना जाता है। शास्त्र कहता है कि शनि रोग कारक है, दुख का देवता है। शनि को जो शनि की काम करने से दुख आते हैं। शनि के काम कौन से कहे गए हैं? बासी खाना, जूठा खाना, झूठ बोलना, शराब पीना, परिस्त्री के पास जाना, मांस खाना, वध करना, वध करके खाना, शिकार करना, ये सब शनि के कार्य कहेंगे। तो कहा जाता है कि इन सब कार्यों से दुख आते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी चंद्रमा से सुख आते हैं। अगर आप ज्योतिष के विषय में थोड़ा जानकार हो तो चौथा भाव जो है वो चंद्रमा से कनेक्टेड है और जो दशम भाव है वो शनि से कनेक्टेड है और जो कुंडली में ये दोनों भाव आमने सामने हैं। चंद्रमा उच्च करने के लिए बड़ों को प्रणाम करना, स्त्रियों की सेवा करना और वृद्ध स्त्रियों की विशेष तौर पर सेवा करना, समय अनुसार आवश्यकता अनुसार दान करना, भूखे को पानी पिलाना नहीं, भूखे को अन्न देना, और जिसको प्यास लगी है उसको अन्न देना नहीं, उसको पानी देना, ये चंद्रमा के उपाय हैं जिनसे चंद्रमा उच्च होते हैं। और चंद्रमा क्योंकि मन से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा मूड से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा डिप्रेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीजों को ठीक करने के लिए वो विधान। इसी तरह पेंडेमिक जब भी कभी आते हैं तो ये शनि से माने जाते हैं और शनि के दो अंग माने जाते हैं, एक राहु और एक केतु। हालांकि ये दोनों छाया ग्रह हैं पर क्योंकि उत्पत्ति में हम कहते हैं कि ये राक्षसों से उत्पन्न हुए, तो राहु और केतु, तो इनमें से जो राहु का अंग है वो शनि से उन चीजों का अंग माना जाता है जो बहुत ज्यादा व्याप्त तौर पर रोग पैदा। ऐसे में समय की ये और भी ज्यादा डिमांड हो जाती है कि हम शनि के उन कारकों से परे रहें। यानी मान लीजिए आज हम कोरोना के विषय की चर्चा करें तो हमें बासी खाने से, जूठे खाने से, रात को जागने से, इसी तरह से शराब पीने से, इन सब चीजों से जो चीजें शनि को प्रबल कर सकती हैं उनसे बचना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी वो सब चीजें जो चंद्रमा अच्छा करती है, सूर्य अच्छा करती है, उनको प्रबल करना चाहिए। ध्यान रहे चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, सूर्य से चंद्रमा को रोशनी मिलती है। अतः चंद्रमा उच्च करने के लिए सूर्य ठीक करना आवश्यक है। तो इसलिए सबसे अच्छा प्रयोग क्या बताया गया कि आप थर्मोजीनिक हर्ब्स का इस्तेमाल करिए। थर्मोजीनिक हर्ब्स कौन सी है? वो सारी हर्ब्स जो शरीर में ऊष्मा पैदा करती है। याद रखिए ऊष्मा दो ग्रहों के अधिकारों में है, एक सूर्य के और एक मंगल के। तो यानी वो सब चीजें जैसे सौंठ है, काली मिर्च है, पिपली है, दालचीनी है, ये ऊष्मा कारक औषधियां हैं। तो इनके विषय में कहा गया कि इन सब का क्वाथ बना के पिए, तो ऐसा करने से आपका सूर्य बेहतर होगा, आप रोग से बचे रहेंगे। अब अगली बात आई, भारतीय आयुर्वेद में रस शास्त्र पे अच्छा काम है।
तो उन्होंने सप्त धातुओं की चर्चा की, स्वर्ण रजत ताम्र बंग नाग लोह और यशत, ये सात जो धातुएं हैं ये एक्चुअल में सात ग्रहों की शांति हेतु एक छुपा हुआ उपाय था, जिसको दुर्भाग्यवश हमारी मॉडर्न साइंस ने मिनरल थेरेपी के रूप में अंडरस्टैंड किया। गलत, ये मिनरल थेरेपी हो सकती है, वो आज होगी या पिछले 50-100 साल के अंदर किसी ने कहा होगा कि मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट, लेकिन जब इन सबकी चिकित्सीय प्रयोग शुरू हुआ तो ये वास्तव में औषधीय प्रयोग था, जो ज्योतिषीय कारण की वजह से। कंसेप्ट क्या था कि किसी एक समय में यूनिवर्स वॉज वन, एक था, और जब यूनिवर्स के उस वक्त, और वो लावे के रूप में या किसी ऊष्मा के रूप में था, और जब वो विभक्त हुआ तो वो अलग अलग हिस्सों में बट गया, जिसके स्टार हो गए और चीजें होगी, जिनमें से एक पृथ्वी भी है। तो हमारे मनुष्यों का कंसेप्ट ये था कि इसका अर्थ ये हुआ कि उस पृथ्वी में उस टोटल यूनिवर्स के वो सारे अंग उपस्थित होने चाहिए। 12वीं सेंचुरी में नागार्जुन ने इस पर बड़ा काम किया, और स्वर्ण रजत ताम्र बंग नाग और लोह इन सात धातुओं के ऊपर बड़ी विशेष उसने काम किया। ऐसे में स्वर्ण का प्रयोग जो किया गया वो भले ही हम आज कहें कि आयुष्य था, वो अमरत्व की प्राप्ति का हेतु था, लेकिन उसका मूल उद्देश्य ये था कि मनुष्य के शरीर में सूर्य और बृहस्पति उच्च हो। आज भी डिप्रेशन के पेशेंट में चांदी की भस्म दी जाती है। तो अर्थ ये है कि ज्योतिष का, आचार रसायन का और औषधियों का, इन तीनों का जो ब्यूटीफुल मिश्रण है, वो एक संपूर्ण एजेंडा है, एक संपूर्ण फॉर्मूला है स्वास्थ्य को लाने का। और ये जो आधा अधूरा प्रयास अभी हो रहा है, जिसमें कुछ लोग केवल औषधि, कुछ केवल ज्योतिष और केवल कुछ आचार रसायन, इन तीनों के ऊपर काम कर रहे हैं, विश्वास मानिए ये कहीं लैंड नहीं करता है जाके, इसमें से वही 33% सफलता के ही चांस है। मैं आपको एक छोटी सी आपको एक और बात अभी मेरे मन में आई। एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है साउथ में, सरस्वती नद करके, तो कुछ देर पहले मैं उसका एक ग्रंथ देख रहा था। उसने कहा कि कल्पना कीजिए कि किस स्तर तक ये विद्या उपजी होगी, और अभी तो मैं इसको मानता हूँ कि अभी इसको उतना काम शारीरिक स्तर पे नहीं हो रहा, लेकिन आई एम सो सरप्राइज टू लिसन दिस कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे पाद में पैदा होता है, एक नक्षत्र के चार पाद होते हैं, चार पैर माने जाते हैं, वो अपनी अपनी डिग्रीज के अकॉर्डिंगली, तो कहा गया है कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ पाद में अगर पैदा होता है तो वो व्यक्ति अपनी आयु के 5 वर्ष तक एनीमिक रहेगा, रक्ताल्पता का मरीज रहेगा, अगले 10 वर्षों के अंदर उसको भीषण पेट से जुड़ी समस्याएं होंगी। इसी तरह से एक उसी ग्रंथ में एक जगह वर्णित है कि अगर कोई किसी व्यक्ति का ज्येष्ठा नक्षत्र में तीसरे पाद में जन्म होता है तो उसको अपनी आयु के 40वें वर्ष में जाके कुष्ठ रोग हो जाएगा और वो कभी दोबारा ठीक नहीं होगा। अब कल्पना करिए आप कि कितना महत्व रहा होगा इसकी चर्चा का किसी एक समय में, जिसको भाग्य से, दुर्भाग्य से धीरे धीरे करके क्षीण करते करते आज केवल यहाँ तक ले आए कि हमारा काम कैसा रहेगा, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा सिर कैसे रहेगा, हमारा सुंदर क्यों नहीं है। तो आज की हमारी जो ज्योतिष विद्या है वो छोटी छोटी चीजों में हमने सीमित कर दी। वास्तव में उद्देश्य क्या था कि जो आपको आपको थोड़ा सा परिचय देता हूँ आयुर्वेद का, कि हमने कहा कि जब हम अन्न खाते हैं, अन्न के सबसे उत्तम अंश से रस की उत्पत्ति होती है, रस के सबसे उत्तम अंश से रक्त की, इसी तरह रक्त के सबसे उत्तम अंश से मांस की, मांस से मेद की, मेद से अस्थि की, अस्थि से मज्जा की, मज्जा से शुक्र की, यानी ये सप्त धातु है। शुक्र से हमने कहा कि बल की उत्पत्ति होती है, बल से ओज की उत्पत्ति होती है, ओज से धी धृति और स्मृति की उत्पत्ति है, और धी धृति और स्मृति से मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। तो हमने क्या कोशिश की थी कि इस अन्न से हम मोक्ष के मार्ग तक लेके जाए, आयुर्वेद उसमें सहायक था। आज की तिथि में मैं जहां भी कहीं चर्चा होती है वहां मैं हमेशा ये बात कहने की प्रयास करता हूं कि आयुर्वेद को या किसी भी चिकित्सा पद्धति को समूल रूप में लेने का प्रयास करें। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, उन लोगों से भी जिनको ज्योतिष में कोई यकीन नहीं है, वो प्रश्न नहीं है। अगर मुझे हवाई जहाज के इंजन के विषय में नहीं पता तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैं हवाई जहाज की यात्रा नहीं करूंगा। मुझे ज्योतिष का फायदा लेने के लिए ज्योतिष आने की कोई जरूरत नहीं। और विश्वास मानिए,
अगर ज्योतिष केवल मात्र कमजोर मन के लोगों की चीज होती तो ऐसी कोई कारण नहीं है कि यह पिछले इतने सारे इतने हजार वर्षों से आज भी स्थापित रहता। प्रकृति में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पद्धतियां, बहुत सारे परंपराएं आती हैं, लेकिन अपना अगर उनको उनका ज्यादा उपयोग नहीं रहता तो समय पाकर वो अपने आप ही नष्ट हो जाती है। ये प्रकृति का नियम है, लेकिन आयुर्वेद को हम शाश्वत कह के चलते हैं। शाश्वत का अर्थ है कि जब तक ये प्रकृति के आसपास ये हेवनली बॉडीज मूव कर रही हैं, तब तक ये सच्चाई है कि उनके फ्लक्स का भी हम पे इफेक्ट आएगा। तो विस्तार में अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो मैं चाहूंगा कि हम उस विषय में चर्चा करें, इससे मुझे सीखने का और अवसर मिलेगा। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने तो जितना व्यापक दृष्टि से और जितने सरल शब्दों में सारी बातें हमारे साथ साझी की हैं, अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर किया है, वो वाकई बहुत उपयोगी भी है। और मैं समझता हूँ एक और जो आपके व्याख्यान की विशेषता रही है कि उसमें कहीं पे भी एग्रेशन नहीं है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि ज्ञान की तो अक्सर क्या लोगों में ज्ञान आवश्यक एक एग्रेशन आ जाता है और वो जाने की बजाय किसी का फोन ऑन हो गया, प्लीज का फोन ऑन हो गया। तो उससे क्या होता है कि वो बात बहस में चली जाती है, समझ में नहीं जाती। आपके ये व्याख्यान की आज ये बड़ी भारी विशेषता रही है हम सभी के लिए कि ये बात बहस में ना जा करके एक एनलाइटनिंग मोड में चली गई है, जहां आप ज्ञान में जो स्वीकार करना चाहें उसको स्वीकार करें और नहीं भी करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन बहुत सारे हमारे पास प्रश्न हैं और बहुत सारी टिप्पणियाँ भी आई हैं और मैं चाहूँगा कि लेकिन उन प्रश्नों को लेने से पूर्व मैं एक छोटी सी टिप्पणी आपसे और चाहूँगा। एक विषय मैं चाह रहा था, क्योंकि लोगों को उसकी जानकारी नहीं होगी, नाड़ी परीक्षा की। ये नाड़ी परीक्षा जो है इसका ये क्या है और इसका क्या महत्व है और ये कितने प्रकार की होती है, ये बहुत संक्षिप्त सी टिप्पणी लेकर फिर हम प्रतिभागियों के कुछ प्रश्न लेंगे और फिर धन्यवाद ज्ञापन की ओर अग्रसर। बढ़िया, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा और मेरे मन की बात। वास्तव में आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा का वर्णन है। अष्टविध मतलब आठ प्रकार की परीक्षा। तो उसका जो है कि नाड़ी मलम मूत्रम जिह्वा दर्शम स्पर्शम दृगाकृति। नाड़ी यानी रोगी की परीक्षा के आठ तरीके हैं, नाड़ी से, मल से, मूत्र से, जीभ से, उसको देख के, उसकी आंखों से, उसकी आकृति को देख के, इस तरह से आठ तरीकों से जो परीक्षा रोगी की होती है। अब इसमें जो नाड़ी है ये सबसे महत्वपूर्ण और पहले नंबर पर बोली गई। अगर आप इसको ध्यान से सोचें तो अगर मैं इसमें से नाड़ी शब्द निकाल दूं तो नाड़ी मलम मूत्रम जिह्वा दर्शन स्पर्शन आकृति, यानी बाकी की जो सात चीजें हैं वो मृतक में भी उपस्थित है। ठीक है, नाड़ी प्राण का स्तंभ है। जब तक शरीर में प्राण है तभी तक नाड़ी का उपयोग हो सकता है, नाड़ी से देखा जा सकता है। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो नाड़ी नहीं होगी। तो नाड़ी का जो उल्लेख था वो वास्तव में जो नाड़ी की परीक्षा थी ये एक्चुअल में प्राण की परीक्षा है। ध्यान रहे, आयुर्वेद इसको यूं मानता है कि हेवनली ऊपर यूनिवर्स से हमारे शरीर के भीतर एक ऊर्जा प्रवेश करती है जो विभिन्न स्रोत से होके, चैनल से होके, पैरों के जरिए पृथ्वी में चली जाती है। तो सारे जो चैनल्स हैं जब तक खुले और स्पष्ट हैं तब तक वो ऊर्जा बगैर रुके, बगैर किसी बाधा के इजीली प्रवाहित होती है। अगर उन चैनल्स में कहीं विरोध आता है तो वो जो ऊर्जा है वहां डिससेपरेट होती है, वो अलग अलग जगह पे कहीं कम और कहीं ज्यादा होती है। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक पेशेंट आता है और वो मुझे कहता है कि मुझे खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मेरे एसिडिटी होती है। और उसी वक्त वो कहता है कि मेरा दिल धड़कता है, मुझे घबराहट होती है, मुझे लगता है कि मेरी छाती में जैसे कुछ भर गया है, मुझे पसीना आता है, मुझे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सूक्ष्म समझने की चेष्टा करें। आयुर्वेद इसको यूं पढ़ता है कि उस व्यक्ति के
शरीर के उस स्रोतस में जो ऊर्जा उसके उदर में जा रही थी, उसके लिवर में, उसके पैनक्रियास में जाके वहां वो अपनी सप्लाई दे रही थी, ऐसा मोटे मोटे समझ लीजिए। तो वो ऊर्जा वहां जाके उस स्रोतस में पूरी तरह नहीं जा पा रही, वहां कुछ गलत हो गया है, कुछ स्रोतस में अब वो कह रहा है कि वहां से ऊर्जा अलग दिशा परिवर्तित करके हृदय की ओर, छाती की ओर, कंठ की ओर, ब्रेन की ओर और जगह पे जा रही, नाड़ी में इन स्रोतस को देखा जाता है। याद रखिए, यहां तक मैं नाड़ी को समझ पाया हूं, दो तरह के लोग हैं संसार में जो आपको मिलेंगे नाड़ी की चर्चा करने। एक लोग हैं जो आपको मिलेंगे जिन्होंने पिछले 500 साल के या 700 साल के 800 साल तक के ग्रंथ पढ़े हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि नाड़ी में देखो वायु कैसी है, पित्त कैसी है और कफ कैसी है, ये तो ठीक है आपने देख लिया। लेकिन नाड़ी केवल यहां तक सीमित नहीं है, यहां से आगे जो स्रोतस वाहिनी नाड़ियां हैं उनको पढ़ने की जो चेष्टा है वो नाड़ी का तंत्र है। वास्तव प्राण का वेग कैसा है, एक मिनट के लिए वायु पित्त और कफ भूल जाइए आप, प्राण का वेग कैसा है, नाड़ी के जो हम जो हमारा योग शास्त्र है वो कहता है कि 72,000 प्रकार की नाड़ियां हैं जिनमें 36,000 एक प्रकार एक साइड के हैं और 36,000 दूसरी साइड, उनको फर्दर विभक्त करते 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 हमने नाड़ियों को 27 प्रकार की बना दी। अब याद रखिए, यहां फिर वही चर्चा आती, जो 27 मुख्य नाड़ियां हैं वो 27 नक्षत्रों के साथ जुड़ती हुई बात है। प्राण के स्पंदन को ढूंढने के लिए नाड़ी का जो होना, नाड़ी का जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। और याद रखिए, नाड़ी बाह्य चीज नहीं है, नाड़ी भीतरी चीज है। नाड़ी को अनुभव करने के लिए अगर आपकी ध्यान अवस्था नहीं है, अगर आप उस ध्यान की अवस्था को छूते नहीं है, तो किसी के शरीर में क्या चल रहा है उसको बताना या उलझुल बोलना उसका कोई मतलब नहीं। और सच पूछिए तो आपने ऐसी चर्चाएं या ऐसे वर्णन सुने होंगे कि एक हकीम जी थे कि एक स्त्री की बाजू में केवल धागा बांध के उस धागे से ही वो उसके प्राण के स्पंदन को महसूस करते थे वगैरह वगैरह। अब वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि वो सभी लोग साधना के स्तर पे जरूर रुच रहे होंगे, क्योंकि नाड़ी का स्पंदन शरीर का विषय नहीं है, नाड़ी का स्पंदन में शरीर आपको जो स्पर्श है, आपका जो स्पर्श है दूसरे के स्पर्श के साथ आपके भीतर उस चीज की प्रेरणा देता है कि इसके शरीर में कौन सा स्रोतस मार्ग खराब है। तो नाड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से आज की तिथि में, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हेलो, हाँ जी, दुर्भाग्य से आज की स्थिति में तो नाड़ी परीक्षा का अनुभव देने वाले या नाड़ी परीक्षा की जानकारी देने वाले लोग ना के बराबर हैं, और यूं कहने को हर व्यक्ति किसी की नाड़ी पकड़ के कुछ ना कुछ बताने की चेष्टा करता है। तो मुझे लगता है इसमें वही दोष है कि अर्थोपार्जन के लिए क्या ट्रिक्स अपनाए जाए, चाहे वो आयुर्वेद सो कॉल्ड है, चाहे वो ज्योतिष है, चाहे वो कुछ भी है। तो आज की स्थिति में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि प्रत्येक चीज का जो भाव है उसकी अंतत्वा जो स्थिति आती है वो अर्थोपार्जन पे आ जाए। लेकिन नाड़ी का जो प्रश्न है, नाड़ी में ध्यान रहे ये प्राण का स्पंदन है, आप अपने प्राण से ही किसी के प्राण को महसूस कर सकते हैं, तो नाड़ी परीक्षा एक गहन और पवित्र विषय है। मुझे लगता है कि आपने ना इसमें एक बड़ा काव्यात्मक सा भी उत्तर दे दिया है कि प्रेम की परिभाषा भी शायद यही होता है कि प्राणों से प्राणों को समझना। मुझे लगता है कि ये एक खूबसूरत व्याख्या हो सकती है जो लोगों के अभी पकड़ में नहीं आई होगी। तो चलिए ठीक है। एक तो ये है कि मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में अपना संपर्क मोबाइल नंबर और ईमेल जो है वो श्रोताओं के साथ जरूर साझा कर दें, क्योंकि कुछ लोगों की ये जानकारी है कि भी वो जानना चाहते हैं, आपसे बातचीत भी करना चाहते हैं। और एक प्रश्न हमारे पास आया है कि ये जो रत्नों को लेकर के है कि ये रत्न क्या लाभ देते हैं या नहीं देते, या क्या इनकी स्थिति है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। ये बहुत सुंदर बात है जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं बल्कि इस विषय को छू नहीं पाया, ये अच्छा विषय है। रत्न का जो वास्तव में उद्देश्य है वो यही है कि प्लेनेटरी फ्लक्स से आने वाली जो किरणें हैं या प्लेनेटरी फ्लक्स है उसको बैलेंस करना
और इस तरह से करना कि वो कम से कम नुकसान नहीं करे। रत्न दो तरह से काम करते हैं, रत्न वाकई फायदा करते हैं और बहुत फायदा करते हैं, लेकिन रत्न को जानने के लिए, रत्न को जानने वाला व्यक्ति सुयोग्य होना चाहिए। रत्न के विषय में दो चीजें हैं। सबसे पहले कि जो रत्न का चयन है वो ज्योतिषी स्तर पे करेक्ट होना चाहिए। याद रखिए, छठे भाव का, आठवें भाव का और बारहवें भाव का, जो भी राशि का स्वामी है वो चाहे कहीं भी बैठा हो, उसका स्टोन नहीं पहनना है। उसका स्टोन पहनेंगे तो तकलीफ देगा। इसी तरीके से जो भाव, जो रत्न छठे, आठवें और बारहवें बैठा है, जो ग्रह है, उसका भी रत्न पहनने से बचना है। रत्न सबसे ज्यादा लाभ तब करते हैं अगर आपके रत्न जो केंद्र के खाने हैं, 1, 4, 7, 10 में जो ग्रह बैठे हैं, सबसे श्रेष्ठतम उनका प्रभाव रहता है। शर्त यह है कि उनके जो मूल उनकी राशियां हैं वो छठे, आठवें और बारहवें में ना। इसके अतिरिक्त तो रोग अनुसार भी रत्न चूज किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की पत्रिका नहीं है, उसका जन्म समय, जन्म तिथि इत्यादि नहीं पता, तो ऐसे में रोग का अनुमान देख के, मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और वो कह रहा है जी कि मेरी चमड़ी पे बड़ा भीषण रोग है और वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसे में अगर उसको हम दो रत्न सजेस्ट करें, एक तो हीरा पहनने के लिए सजेस्ट करें और दूसरा उसको पन्ना पहनने के लिए सजेस्ट करें, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको उसके रोग में सुधार होना शुरू होगा। तो निश्चित तौर पे ये जो रत्न है ये बड़े लाभकारी हैं। और लेकिन बात मेरी सबसे निवेदन यही है कि जो रत्न है ये दो धारी तलवार की तरह होते हैं। ये अगर लाभ पूरा कर सकते हैं तो ये थोड़ा नुकसान भी कर सकते हैं भाई, इससे थोड़ा सावधान रहना। इसलिए मेरी ये बार बार सबसे विनती होती है कि जब भी कभी रत्न पहने तो उसमें कम से कम एक दो बार उसको थोड़ा टेस्ट कर लें, उसको थोड़े दिन पहन के उसके रिजल्ट्स चेक कर लें। अगर आपको लगे कि ये उचित रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको तभी पहने, अन्यथा उसको उतार दें जी। इसको केवल एक सुंदरता की चीज पे ना इस्तेमाल करें। रोग में सर्टेनली सर्टेनली इट इज वेरी बेनिफिशियल, नो डाउट अबाउट। धन्यवाद डॉक्टर साहब। यदि किसी और का कोई प्रश्न हो, वैसे एक प्रश्न था कि कोई इस पे पुस्तक सुझा सकते हो आप, जो कि सभी के लिए हितकारी और लाभकारी हो, या दिशा निर्देश जिससे मिल सकते हो, कोई ऐसी पुस्तक आप सजेस्ट करेंगे? जरूर जरूर जरूर। मैं एक काम करता हूँ, मैं 3-4 पुस्तकों का जो वर्णन है, विवरण है, वो अपने इसमें बॉक्स में छोड़ देता हूँ, और अगर कोई मुझसे पर्सनली कुछ बराबर अपना पुस्तक इत्यादि के विषय में जानना चाहे तो मैं वो अलग से भी बता दूंगा, अवेलेबिलिटी भी बता दूंगा। जी ठीक है। ये कृपया करके अपना लिंक कॉन्टेक्ट छोड़ दें, कॉन्टेक्ट दे दें तो लोगों को सुविधा होगी बात करने में, फर्दर पूछने में। जी जी जरूर जी जी डॉक्टर साहब, अभी आपको ये हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे डॉक्टर साहब, अभी चैट बॉक्स में धन्यवाद ईमेल और फोन नंबर दे देंगे। और क्योंकि समय समय बहुत कम था, मंत्र की चर्चा नहीं हो पाई, वो बहुत गहन और बढ़िया विषय था, मंत्र वाला भी बहुत इफेक्टिव मंत्र है वो, बहुत लंबा, लेकिन समय के अभाव में जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है आपका, काफी अच्छा रहा, इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव। डॉक्टर साहब इसको दोबारा भी लेंगे, इसका पार्ट 2 जिस वक्त करेंगे तब मंत्र और बाकी चीजों को भी इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आजकल जो मेडिकल प्रोफेशन है उसमें भी ये साउंड थेरेपी के ऊपर बहुत कुछ चल रहा है, और म्यूजिक थेरेपी के कई रिजल्ट्स आपने कभी देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, तो इनका मेडिकल ये साइकोलॉजिकल रिसर्च जर्नल आता है उसमें भी कई तरह के इसमें डाटा हमें उपलब्ध होते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम को समाप्ति में ले जाने से पूर्व मैं जितने भी प्रतिभागी जुड़े हुए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि लिंक अभी हम डाल रहे हैं, आप लोग उसको भर सकते हैं, और साथ ही मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी को, जो कि डायरेक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट पॉलिसी रिसर्च के एंड ट्रेनिंग सेंटर के। उनसे मैं करता हूँ कि आज के हमारे जितने भी वक्ता रहे हैं, 107 तो जुड़े हुए हैं, और साथ में जो मुख्य वक्ता रहे हैं, जो श्रोता रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद भी करें, और सारे आज के मसले के ऊपर, आज के सारे बातचीत के ऊपर अपना
टिप्पणी भी हमारे साथ शेयर करें। मेजर जनरल ए के शौर्य। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर आशुतोष जी? जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत संजीव गारू जी और डॉक्टर आशुतोष जी, आप दोनों ने जो मिलकर ये बीड़ा उठाया हुआ है, आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपके इन सारे कार्यों की वजह से हम सब लोगों को कितना फायदा पहुंच रहा है। हमें ऐसे विषयों के बारे में इतने सरल तरीके से जानकारी मिल रही है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था और हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे विषयों की तरफ को हम एक कदम चलेंगे। तो आप दोनों का तो परमानेंट ही एक, जैसे कहते हैं ना कि एक परमानेंट थैंक्स, वो मैं आपके लिए रिजर्व करके रख देता हूँ। लेकिन मेन मैं जो है, आज डॉक्टर पुष्प शर्मन जी ने जो बातें हमें बताई हैं उसके बारे में कुछ एक अपने विचार पहले रखता हूँ। डॉक्टर पुष्प जी, आपने जो ये मंत्र मणि और औषधि वाली बात बताई और उसके बाद 33% वाली जो बात बताई, मुझे लगता है आपको इन दोनों के ऊपर अलग से एक एक सेशन करने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि आपने सिर्फ टच किया और इतना अच्छा लग रहा था, इतना मजा आ रहा था, मंत्र मणि औषधि की बात आप कर रहे थे, लेकिन समय की वजह से आपने जो भी कहा, जो भी बताया हमें, हमें बहुत अच्छा लगा। और जब आप ये बात कर रहे थे, मेरे मन में भी कुछ चीजें आ रही थी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब देखिए, आपने एक फेस्टिवल की उदाहरण दिया, अब मैं थोड़ा एक सोशल थिंकर के हिसाब से उसको मैं सामने रखता हूँ। दिवाली का फेस्टिवल हो, लोहड़ी का हो, होली का हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कैसा भी फेस्टिवल हो, चाहे वो हमारा हो या किसी और का भी हो, फेस्टिवल के दिनों के आसपास लोग खुश क्यों हो जाते हैं? जी बिल्कुल, लोग खुश हो जाते हैं। अब देखिए, करवा चौथ आ रहा है, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, उस 10-15 दिन के पीरियड में लोग खुश कैसे होते हैं? वो क्या बाजार जाएंगे, कुछ सामान लेना है, पुराना फेंकना है, नया करना है, सारा परिवार इकट्ठा होगा, पूजा करेंगे, मिठाई होगी, मिलना होगा, जुलना होगा, आएंगे जाएंगे, वो एक माहौल खुशी का बन जाता है। अब आप इसको आप कल्चरली देख लीजिए, सोशली देख लीजिए, आप इंटेलेक्चुअली देख लीजिए और स्पिरिचुअली देख लीजिए। तो फेस्टिवल्स जो है, जो आपने, जो मैं चाहता था कि आप उस समय इस सारी चीजों को थोड़ा और एक्सप्लेन करें कि फेस्टिवल्स के बारे में जो पूर्वजों ने, पुराने ऋषियों ने जो उसको एक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाया, वो देखिए क्या सोचकर बनाया उन्होंने, समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, मौसम में जो बदलाव आ रहा है उससे जो सारा ब्रह्मांड में जो राशियों का, ग्रहों का, उनकी चाल का, स्पीड का, दिशा का, वो सारा जो चेंज आ रहा है, उसका जो इफेक्ट होने जा रहा है, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि ये समय जो है अपने आप को नए तरीके से रहने के लिए है और खुशी से रहने के लिए है, ना कि ये नहीं कि अच्छा जी सर्दी आ गई, चलो सारे बैठकर अफसोस करें कि गर्मी आ गई या हम बैठकर जो है कहें कि ये क्या हो गया। हर समय, हर फेस्टिवल जो है वो कुदरत के साथ इस तरह से जोड़ा कि हम उस असली सीख को भूल गए। जैसा कि आपने बताया कि हम जो है, जब मंत्र मणि औषधि की बात हुई, हम छोटे छोटे उपचारों में उलझ कर रह गए। मैं एक छोटी सी आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी हैं, वो कभी फिर जब आपका लेक्चर आएगा तब भी पूछेंगे। मैं ब्रिगेडियर था, कलकत्ता में पोस्टर था, आप बाकी लोगों के लिए जानकारी के लिए भी, मेरी प्रमोशन की फाइल गई हुई थी मेजर जनरल के लिए, भाई लास्ट प्रमोशन थी, मेजर जनरल बनना बहुत बड़ी बात होती है, हर कोई नहीं बनता, भाई फाइल कहाँ है? भाई फाइल सुना है कि वो आर्मी चीफ के पास चली गई है उनके अप्रूवल के लिए। हाँ, नॉर्मली विद इन 48 hours to 72 hours वापस आ जानी चाहिए, 6 दिन हो गए फाइल वापस नहीं आई, बड़े परेशान हो गए। वो कहे जी फाइल कहाँ, फाइल कहाँ? किसी ने कहा जी आपके ग्रह ठीक नहीं है। ठीक है भाई, ग्रह ठीक नहीं होंगे तो आप ऐसा करो, गुमेद पहनो गले में। मैं कलकत्ता में था, मैं सोचूं यार मेरे गले में गुमेद पहनने से मेरी फाइल कैसे जो है चीफ के साइन के लिए चली जाएगी। अच्छा, उसके पीछे जो चल रहा था वो मुझे बाद में पता चला, जब मैं एज मेजर जनरल आर्मी हेडक्वार्टर में पहुंचा, तब मेरे मन में वो क्यूरियोसिटी थी कि आर्मी चीफ के पास 2 दिन से ज्यादा फाइल नहीं रुकती, 2 महीने तक मेरी फाइल कहाँ गई, 2 महीने। फिर मैंने जब उसको पूरा ट्रैक एंड ट्रेस किया,
मुझे इसकी सारी मिस्ट्री पता चली कि फाइल के ऊपर एक क्वेरी लगी थी, क्वेरी कैसी लगी थी, क्वेरी कहाँ गई थी, उसका किसने रिप्लाई दिया था, उस रिप्लाई के ऊपर काउंटर रिप्लाई किया था. सो इट टुक टू मंथ्स. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द पर्सन हु वाज गिविंग मी द सॉल्यूशन, यू आर जस्ट गिविंग अ सॉल्यूशन कि आप ऐसा करो, गुमेद पहन लो गले में और इसको दिखाना नहीं है, शर्ट के अंदर डालकर रखना है और आपकी फाइल की मूवमेंट होगी. बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स इन द प्लेनेट विच वर हैपनिंग, which were playing its role about which I was not aware. और बाद में मैं, मेरे को ये समझ में आया, somebody advised me that you should go and meet the deputy chief and explain. When I went there and met him, he says कि I was not aware about these facts. अब ये जो सारा मेरा मिलना, उसको अवेयर करना और फाइल की नोट शीट का करेक्ट होना, इसके लिए वो गुमेद जिम्मेदार था पहनना, या वो ग्रहों की चाल थी, या उसमें मेरा थॉट प्रोसेस था, या मेरा अपने आप में एक अंतर मन में था कि भाई प्रॉब्लम क्या है, आई शुड गो एंड मीट एंड एक्सप्लेन माय पॉइंट. इस सारी चीजों के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे थे, बट आई वाज नॉट अवेयर. आज आपका ये लेक्चर सुनने के बाद मेरे मन में बहुत सारी चीजों के कंसेप्ट हल्के हल्के क्लियर हुए हैं, क्योंकि 45 मिनट में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकते. इसलिए आपके आने वाले समय में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री हमें और सेशंस की जरूरत पड़ेगी. आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना शुरू किया था कि फर्स्ट टाइम है मैंने अचानक देखा यार 12 बजने लगे हैं, तो क्यों समय का ख्याल ही नहीं रहा. तो डॉक्टर साहब, मैं अपनी तरफ से और अपने सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं. और आप ये जो नाड़ी परीक्षा के बारे में बता रहे थे, मैं उसको 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 सुनकर मेरे मन में एक और बात आई. कहते थे कि पुराने जमाने में इतने जबरदस्त हकीम होते थे कि वो नाड़ी पकड़ कर बता देते थे कि आपको प्रॉब्लम क्या है. इवन वो टीबी जैसी मतलब घातक बीमारियों के बारे में भी बता सकते थे कि इंसान को क्या प्रॉब्लम है. और आज क्या हो रहा है, आज हम नाड़ी तो देखते नहीं है और दूर से जो है वो लगाकर कहते हैं कि तेरे को कोरोना नहीं है, टेम्परेचर देख कर बोलते तेरे को कोरोना नहीं है. सी दैट द But I'm trying to say that the level where we have reached, it's just that the content-based therapy. Today we are in the content-based therapy. We are not correlating so many factors. जिसकी आपने एक जगह mention भी किया था, आपका जो है, जो आप जो अन्न है, जो आप खाते हैं, वो आपकी विचारधारा को कैसे affect करता है, वो अपने आप में एक subject है. लेकिन फिर भी आपने जिन जिन चीजों को टच किया है, मैं अभी भी बार बार कहूंगा, आपको शायद लगे कि मैं क्यों करूं टच किया, क्योंकि हमें इसके ऊपर आपके और हम उम्मीद रखेंगे कि इसी तरह के कंटिन्यू रहेंगे और हम सब लोगों को इसी तरह से आप सब लोगों से जानकारी मिलती रहेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद मेजर जनरल लेके. धन्यवाद. और मुझे लगता है कि समय के अनुकूल ही आप लोगों के वीडियोस जो हैं वो ब्रॉडबैंड जो बैंडविड्थ है वो भी जो है वो हिल रही है, इसीलिए शायद आप लोगों के जो वीडियोस हैं वो बीच में से गायब हो जाते हैं. तो इन्हीं सब आज के इस आयोजन के लिए, आप सभी के भाग लेने के लिए मैं सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ. संजीव घाटू के लिए, डॉक्टर पुष्प शर्मा जी के लिए, डॉक्टर जनरल मेजर जनरल ए के शौरी और हमारे साथ जुड़े हुए कितने सारे प्रतिभागी, जिनमें से कुछ एक को मैं व्यक्तिगत रूप में भी जानता हूँ. डॉक्टर गुरिंदर जीत कौर जी हैं यमुनानगर से, जो खुद साइंस की टीचर हैं, और उन्होंने भी डॉक्टर गौरव शर्मा और रूपिका शर्मा जी, उमा जैन जी सहारनपुर से, और बहुत बहुत दूर से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ. आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इसमें रुचि ली और इस सारे वैचारिक जो प्रारूप था इसको समझने में जो उत्सुकता और आसक्ति दिखाई है, उसके लिए मैं सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ. और इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व दो सूचनाएं दे देता हूँ. हमारे ये कार्यक्रम अभी जारी रहेंगे, सूचनाएं आपको हम कल देंगे अगले आने वाले सभी कार्यक्रमों की. और एक कार्यक्रम अभी डॉक्टर अंबेडकर
पर है 18 तारीख को, इसी लिंक के ऊपर आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ दो तीन कार्यक्रम और हैं जिसका वर्णन जो है या जिसके डिटेल्स जो है वो हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे यदि आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। और दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस वक्त आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो प्लीज़ अपना फॉर्म कंप्लीट भरिएगा। उसमें ऐसा ना करें कि कहीं पे मोबाइल नंबर 00 डाल के छोड़ दें, या आप अपना ईमेल ठीक से ना भरें, या अपना नाम ठीक से ना भरें। उससे क्या होता है कि सर्टिफिकेट गड़बड़ हो जाता है, हमारा भी टाइम लगता है, डॉक्टर पीयूष अग्रवाल की मेहनत बहुत अधिक बढ़ जाती है, हर एक सर्टिफिकेट चेक करना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने नाम के आगे सिवाय डॉक्टर लगाने के या अपनी उपाधि लगाने के अलावा और कुछ ना लिखिए, क्योंकि उससे क्या है सारी सेटिंग बिगड़ती है। और प्लीज और ये भी ध्यान रखिए कि आप अपना कंप्लीट एड्रेस डालिए, नहीं तो वो कंप्यूटर उठाएगा नहीं। जैसे कि मुझे शुरू में भी दो तीन लोगों के इसमें मैसेज आए कि भाई हमारा कल का नहीं पहुंचा सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा, जबकि सारे सर्टिफिकेट जा चुके हैं। उसमें दोष जो है वो आपके भरने में है, हमारी ओर से कोई डिले नहीं था। तो अब भी मैं फिर दोबारा आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे लिए दोबारा उन सारी चीज़ों को करना संभव नहीं होता, ना इतना समय होता है। तो यदि आपका ठीक नहीं भरा हुआ तो वो उसके लिए दायित्व तो आपका ही है, क्योंकि कंप्यूटर उसको नहीं उठाएगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यदि अनौपचारिक रूप से मेरे से कोई बात आप लोग कहना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और उसके बाद हम मीटिंग ये समाप्त करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार।